हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्रुति शर्मा जी। श्रुति शर्मा जी, स्टूडेंट्स का आपके से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो हमारी तरफ से भी है और स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कैसे मेहनत की और किस तरीके से पढ़ाई की, ये ज़रूर बताएं और इसका फ़ायदा ताकि कुछ स्टूडेंट्स भी उठा सकें। आई थिंक सबसे जो शुरू में और धीरे धीरे बाद में जो थोड़ी चेंज होता है तैयारी में, वो यही होता है कि शुरू में बहुत सारा मटेरियल होता है, पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि डिसाइड करना कि इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, और उसको सिलेबस के साथ ओरिएंट करना। तो बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज, इन सब के अलावा जो था, मैं जो अखबार था वो हर रोज़ पढ़ती थी, और जो सिलेबस यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, उन हेडिंग्स के अंदर मैं नोट्स बनाती थी कि जो इम्पोर्टेंट है, जो जिस जहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास वो नोट्स होते थे, जो सिर्फ मैं सिर्फ कोचिंग मटेरियल पर नहीं रिलाई करती थी, वो खुद के लिखे हुए नोट्स। फिर बाद में मेंस से पहले मैंने आंसर राइटिंग की भी काफ़ी प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेंस में मेरे ज़्यादा नंबर आ पाए और ये रैंक मिल पाए। श्रुति जी, आपसे जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि कितने घंटे आप पढ़ती थी, क्योंकि अमूमन लोग मानते हैं कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। तो अमूमन आप ये कैसे काउंट करती थी कि आप कितने घंटे पढ़ती थी? घंटे तो ऐसे कभी मैंने काउंट नहीं किए, पर मेन से पहले वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था कि मतलब मेनली पढ़ ही रहे होते थे, बीच में बस थोड़ा खाने के लिए गए, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया। पर वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर और कौन सा लेवल ऑफ कौन सा स्टेज चल रहा है। प्रीलिम्स से पहले अलग होता है, मेन से पहले अलग होता है, इंटरव्यू से पहले तो काफ़ी आराम भी था, तो ये अलग अलग टाइम पर था, पर घंटे कभी काउंट नहीं किए। नहीं पर हाँ, नहीं पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मैं पर्सनली तो मुझे, मैं ब्रेक्स भी काफ़ी ही लेती थी, तो ऐसा तो नहीं था। और आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है घंटों से ज़्यादा, क्योंकि कई बार आप 5 घंटे बैठे हुए होते हो पर प्रोडक्टिविटी 1 घंटे की भी नहीं होती है उसके अंदर। तो ये प्रोडक्टिविटी इंश्योर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट्स आई थिंक कॉन्टेंट बेस्ड होने चाहिए रादर देन घंटे बेस्ड। तो वो अगर आप कॉन्टेंट आप कम टाइम में कर रहे हो तो दैट इज़ बेटर रादर देन आप घंटे ज़्यादा कर रहे हो। तो ये ही मैं अप्रोच फॉलो करके चलती थी जी।